जुनूनियत का जो आज का एपिसोड है वो भाई एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। जहान इलाही और जो जॉर्डन के बीच में जो भी बातें चल रही हैं उसको लेकर, क्योंकि भाई इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो इलाही है वो जहान के पास जाते हो, जहान से मतलब बातचीत करते, उसको ख्याल व्याल रखती, उसको पूछते भाई कैसे हो, तुमने क्या पे जहान मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, जिसकी वजह से इलाही काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। वो उससे बोलती कि क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो, तुम मुझे अपना कॉम्पिटिटर क्यों समझने लगे, जब तुमने कॉलेज से मुझे निकलने से पहले रोका था तब मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर नहीं थी, जब तुमने मुझे होली में या फिर मेरी शादी होने से बचाया तब भी क्या मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर नहीं थी, तो अब मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर क्यों और कैसे बन गई, बताओ जहान बताओ। और यहाँ पर जहान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो इलाही को ज़बरदस्ती गेट के बाहर करके गेट बंद कर देता है। इलाही बाहर रोती है और कॉन्टीन्यूसली खांसती रहती है। कमरे के अंदर जहान भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे होते, बहुत दोनों मतलब बुरी कंडीशन में होते हैं। लेकिन तब क्या होता है भाई, तब भी हमारा जो जहान है वो पिघलता नहीं और वो अपने आप को स्ट्रांगली मतलब खड़ा रखता है और वो अपने आप को मतलब ये नहीं कहता चलो इलाही से जाके मिल लूँ, इलाही का हाल चाल ले लूँ, नहीं। लेकिन तब क्या होता है, इलाही वहाँ से कुछ देर रुकने के बाद अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर जहान है वो ये बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए और इलाही दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों का अपना एक गोल है जो सेट करा हुआ है हम लोगों को और उसको पूरा करना है किसी भी तरीके से, और अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे और हम लोग अगर ऐसा ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा गोल पूरा नहीं हो पाएगा। इलाही का तो पता नहीं, लेकिन मेरा गोल बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी की वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, उसी की वजह से आज मेरी आवाज़ का ये हाल है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो इलाही है वो अपने घर पर आती है, खांसते खांसते मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बुरी हालत हो जाती है खांसते खांसते, तो उसके पापा जो होते हैं वो आके पूछे कि क्या हुआ, बता कैसी है तू, क्या हुआ तो इतना खास क्यों रही है, और बहुत सारी बातें होती है। तभी क्या होता है, पता चलता है कि जो उसके जो पापा हैं वो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास एक दवा थी वो लेकर आए, अब वो दवा वो इलाही को खिलाएंगे, इलाही को एक हल्दी वाला दूध था वो पिलाने के लिए बीजी ने कहा मना कर दिया साहब से कि नहीं पी देना इसे, और खुद जाके अपने हाथों से काढ़ा बनाया और अपने हाथों से काढ़ा बना के इलाही को दिया ताकि उसकी जो आवाज़ है वो जल्दी सही हो, प्लस जो उसकी खांसी है वो भी जल्दी से ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो जाता कि दो दिन के अंदर जो वो होने वाला ऑडिशन उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब अपना वो दे जो भी उसकी परफॉर्मेंस है और सब बढ़िया चले। दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर जहान जो है वो तो अपना एक तरफ देखने को मिला, लेकिन वो जॉर्डन है, जॉर्डन के घर में भी एक मतलब अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि जॉर्डन के यहाँ पर भी सब लोग उसका ख्याल रख रहे हैं, सब उसकी केयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ ये देखने को मिली कि जॉर्डन के जो पापा हैं वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, और जो जॉर्डन की मम्मी वो भी ये बोलती हैं कि जॉर्डन का जो ध्यान है वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर भटक रहा है, उसका ध्यान अब सेट करना है और यहाँ पे जो चीज़ है उन सबको सही करना है। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि जो इलाही है, इलाही को मतलब जो जहान है वो फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फ़ोन नहीं करता, वो वहीं पर रुक जाता है कि नहीं भाई मुझे इलाही को कॉल नहीं करना है, और वो वहीं पर ही अपने हाथ को कंट्रोल करता है, बोलता है कि अगर मैं इससे दोबारा कॉन्टेक्ट में आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं अपने आप को वैसे इतनी मुश्किल से इससे दूर कर रहा हूँ, अगर दोबारा मैंने इससे बात की तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मुझे अब इससे कॉल ना ही करूँ तो यही बेहतर है। और फिर इसके बाद क्या था, इसके बारे में देखने को मिलता है कि जो उसके पापा हैं वो काढ़ा वाढ़ा बनाते हैं और इलाही के लिए लेकर जाते हैं और उसको मतलब पिलाते पिलाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या, तीसरी तरफ अब हमें देखने को मिलता है कि जहान के घर में जो है, सॉरी जहान के जो मम्मी पापा है वो जहाँ पे अब रह रहे हैं उनसे बात बात करते हैं कि भाई उसकी कंडीशन ऐसी, और इलाही के बारे में भी वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताते हैं, इनडायरेक्टली नाम नहीं बताते, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं अभी माँ हूँ, मुझे भी पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो रहा होता है तो, और दोनों माँ एक दूसरे से मतलब काफ़ी मतलब तब एक दूसरे से बातें करने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जो जॉर्डन है उसके पास उसके पापा आते हैं, उसको गुरुद्वारे का प्रसाद देते ताकि उसकी जो हालत है वो जल्दी से सही हो जाए, और वो ये भी बोलते हैं कि देख तेरी जो एज है उसमें ये करना तब वेवकूफ़ी वाली हरकतें करना नॉर्मल, लेकिन अपनी जान को कभी खतरे में मत डालियो, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है, अब हम लोग कैसे भी हो भले मैं तुझसे मतलब ये सिंगिंग से मैं बोलता कि तू उससे दूर रहे ये सब पर, लेकिन तब भी मैं तेरा ख्याल रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा सही रास्ते पर है, और बिल्कुल सही है। जिसके बाद ये आते हैं उनके जो भैया जी हैं मतलब जो चाचा हैं अंकल हैं वो आते हैं, बहुत ही कॉमेडी वे में उनसे बात बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब माहौल को हल्का करते हैं। लेकिन जो जॉर्डन है, जॉर्डन को ये बात समझ में आ रही होती है कि उसके पापा उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कितनी ज़्यादा उसकी केयर करते हैं,
दूसरी तरफ जब जो इलाही के पापा वो उसके लिए लेके आ जाते कार्ड, उसको पिलाते हैं, और पिलाने के साथ उससे पूछते कि आखिर बात क्या है, बता क्या हुआ है तुझे जो तू इतनी ज्यादा मतलब चुप चुप सी है, शांत सी है, बिल्कुल रो रही है, इमोशनल सी, क्या बात है। तो फिर यहाँ पे इलाही कुछ बताती नहीं डायरेक्टली, वो बस हक करते हक करने और मनी मन में सोचती कि मैं कैसे बताऊँ कि मुझे जिससे प्यार होता है उसने मुझे तब छोड़ दिया, वही मुझे जाने के लिए कह रहा है, ये है वो ये सब बातें करने जाती मन में जहान को लेकर। लेकिन जहान जो दूसरी तरफ है वो अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात करता है, सब बताता है कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और उसकी कंडीशन कैसी है, और वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग आ रहे हैं, तो बोलते कि नहीं आप मत आओ, ठीक है मेरी कंडीशन जो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है और कुछ दिनों बाद मेरी कंडीशन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, तो आप प्लीज़ मत आओ, ठीक है सब कुछ बढ़िया है। और फिर यहाँ पे जो जहान है वो फिर से अपनी इलाही के बारे में सोचने लग जाता है, और जो जॉर्डन की माँ है वो अपने जॉर्डन के पापा के साथ बैठ के जॉर्डन के साथ थोड़ी बहुत बातें बातें करती हैं, उनकी बातें सुंदरी होती है, और यहीं पर भाई एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एंड सीरियसली जिस तरीके से आज का एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से एपिसोड गया वो एक अलग ही लेवल का मज़ेदार था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस एपिसोड को देखने में। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड्स की कहानीज और रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।